नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल जम्मू न्यूज और मैं हूं अस्मिता। आइए आज के मुख्य समाचारों की शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के साथ। एक बार फिर चाइना में तेजी से फैला कोरोना वायरस। बता दें कि चाइना के बड़े शहर चंगचुन में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। पहली बार रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी इस्तेमाल शुरू किया गया। बात करें चीन के संक्रमित मामलों की, तो मामले 1000 से भी अधिक बढ़ चुके थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। बढ़ते मामलों का कारण ओमिक्रॉन बताया जा रहा है। चाइना के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का भी कहना है कि सेल्फ टेस्ट किट क्लिनिक्स में उपलब्ध कराई जाएंगी। उनका यह भी कहना था कि आम नागरिक इनकी खरीदारी फार्मेसी या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। उसी बीच बात करें यूक्रेन रूस की जंग की, तो आज यूक्रेन और रूस की जंग का 16वां दिन है और जंग खत्म होने का कोई भी संकेत जो है वो नहीं मिल रहा है। रूस ने अभी तक यूक्रेन के कई शहरों पर हमला जारी रखा है। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि पिछले 2 दिनों से यूक्रेन से लगभग 1 लाख लोगों को निकाला गया है। वहीं बात करें फेसबुक की, तो सोशल मीडिया पर रूसी आक्रमण व पुतिन के खिलाफ बोलने की अनुमति भी फेसबुक दे चुका है। बात करें पॉलिटिक्स की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदी पाटिल को आज इस्तीफा दे दिया। बता दें कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही शुक्रवार शाम को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री शाम को लखनऊ के राजभवन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि नई सरकार का गठन जल्द ही होगा। जम्मू कश्मीर के लिहाजे से बता दें कि इंडियन आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में एक पायलट की मौत हो गई और को पायलट घायल हो गया। घायल पायलट को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के बारे में कहा जाए तो उनके हवाले से यह पता चला है कि हेलीकॉप्टर बीमार बीएसएफ कर्मियों को लेने जा रहा था। हालांकि इस दुर्घटना के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक अधिकारी का कहना था कि चॉपर लैंड होने ही वाला था, लेकिन वेदर कंडीशंस के खराब होने के कारण नियंत्रण खो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टीमों को पैदल भेजा गया है, जबकि एयर रिकनेशंस टीम यानी हवाई टोही दल जो है जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही है। वहीं अगर बात करें विधानसभा के 5 राज्यों की, तो वहां चुनाव होने के बाद अब सबकी नजर जम्मू कश्मीर के चुनाव पर टिकी हुई है। हालांकि प्रदेश में चुनाव की कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। गृहमंत्री अमित शाह के 7 से 8 महीने में चुनाव कराने के संबंधी बयान के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर बना ये सरकार जो है वो बनाई जा सकती है। बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी। पेटीएम डिजिटली पेमेंट करने का एक साधन है और इसके लिए ये बड़े झटके की बात है। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद से ही इसके शेयर्स टूटते जा रहे हैं और इससे निवेशकों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बता दें कि न केवल ग्राहकों को जोड़ने की मनाही है, बल्कि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को आईटी ऑडिट कराने के लिए भी कहा है। यहां आईटी ऑडिट से तात्पर्य है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर कितने ग्राहकों का बोझ उठा सकती है, किस तरह की परेशानियां झेल रही है या क्यों ये परेशानियां आ रही हैं, कारण क्या है। एजुकेशन पर्पजेस से बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की टर्म 2 की डेटशीट जारी कर दी है। सीबीएसई ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये जानकारी दी। बता दें कि सीबीएसई के अनुसार 26 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होंगी और दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में होंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए उज्ज्वल जम्मू न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।